your speakers bang. ये देखो हमारे सारे सीनियर्स का आज हो रहा है फेयरवेल। So today is the day of last day here. We are just got our mementos here and enjoying. सीखने का प्रयास करो, बहुत अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ पे, क्लासेस जो होती हैं उससे तुम्हारा एक। आज हम लोग का फेयरवेल है, फाइनल ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं हम लोग। मेरा नाम ओम प्रकाश राय है। It's a real feeling because after 5 years I'm finally graduating and this I think this whole feeling is overwhelming and I feel जब जैसे आज फेयरवेल हुआ तो हमारा था यार आज फेयरवेल बस ख़त्म हो गया हमारा यहाँ टाइम। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस और काफ़ी बाद में तुमसे मिलना हुआ ये। स्टार्टिंग लॉ अकेडमिक कोर्सेज, लॉ इज नथिंग, इट इज द प्ले ऑफ वर्ड्स ओनली, सो यू कैन आल्सो रीड इट, यू कैन आल्सो परस्यू इट। स्वागत है आपको हमारी इस जर्नी पे। आज है हमारे सीनियर्स का विदाई जो कि बहुत अच्छे से हम मनाने जा रहे हैं। सारे सीनियर्स आ चुके हैं, फिर भी इंतजार है कई लोगों का। आज है दोनों LLB और BLLB के सीनियर्स की विदाई का। तो विदाई तो क्या ही होता है, फैकल्टी जो हमारा घर है जहां हम लोग रह रहे हैं 3 सालों से। 3 साल इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम, इट विल टेक सो मैनी थिंग्स लाइक सो मैनी इमोशंस, फीलिंग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द रिलेशनशिप विच वी मेक हियर अबाउट फ्रेंडशिप एंड सो मैनी अदर थिंग्स। आज हमारे सीनियर्स को बहुत कुछ एक यादें हम देने जा रहे हैं जो इस माध्यम से उनको मिलेगा। यहाँ 3 साल काफ़ी लोगों के लिए बहुत अलग अलग जर्नी होती है। 3 साल में हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। वी मेक सो मैनी न्यू फ्रेंड्स, वी मीट सो मैनी प्रोफेसर्स एंड वी कैरी सो मैनी नॉलेज फ्रॉम देयर। लॉ फैकल्टी गिव्स एवरी वन डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू थिंक अबाउट ऑन सेल्फ एंड ऑल्सो द सोसाइटी। सोसाइटी कम फ्रॉम पीपल एंड पीपल थिंक फॉर ऑलवेज टू पीपल बिकॉज वी आर द लॉयर्स एंड लॉयर्स मेक फॉर सर्विस देयर फॉर अ पीपल। BHU ये बस एक लफ्ज नहीं, ये एक पूरा सफ़र है। स्कूल में हम बस पढ़ना लिखना सीखते हैं बट BHU टीचर्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी कैसी एक पहेली है, कभी पहल एक नकचड़ी सी दोस्त है तो कभी पहल एक प्यारी सी सहेली है। तो आइए मिलाते हैं हम आपको हमारे सारे सीनियर से। तो ये रहे हमारे सारे सीनियर्स, फेस को देख के पहचान रखिए, हो सकता है कल आप इनसे कहीं ना कहीं टकरा जाए या फिर हो सकता है ये आपके सुपर सीनियर्स हो। तो एक एक करके हम मिलते हैं सबसे। मेमोरीज तो है बट कुछ खाली सा भी है, जैसे कल ही कॉलेज आए थे। कुछ दोस्त, कुछ टीचर, कुछ कैंपस के सूरत और हालात। यहाँ आज़ादी पूरी है बट इस आज़ादी का पूरा मज़ा उठाने में काफ़ी कुछ खो जाना हो जाता है। समय एक पिंजरे की चिड़िया की तरह है, जैसे ही खोल दो
तो पंख खुला के ऊंची उड़ान उड़ने लगता है। इसी तरह हमारा समय भी था, जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ दोस्त बने, सेकेंड ईयर में हमारी पहचान बनाते बनाते पूरा एक साल निकल गए, और देखते देखते कब थर्ड ईयर आ गया ये भी किसी को पता नहीं चला। लगता इसे है जैसे आंखें बंद किए हो और 3 साल 3 सेकंड में निकल गया। हजारों ख्वाब लेके बीएचयू आए थे, सैकड़ों पूरे भी किए हैं, पर सब अचानक से हो गया। खैर, जितना भी यादें हैं काफ़ी हसीन हैं, और अब ये सारी बातें बहुत बहुत याद आने वाली है यहाँ से जाने के बाद। कुछ साल जब पीछे मुड़ के देखोगे तो काफ़ी कुछ भूल चुके होगे, पर वो लोग जिन्हें मैं अपना दोस्त कहता था अब वो ज़िंदगी का बन गए, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये देखो हमारे सारे सीनियर्स का आज हो रहा है फेयरवेल, और सब अपने अपने में व्यस्त हैं। यहाँ हमारे कुछ सीनियर्स हैं, यहाँ कुछ सीनियर्स हैं। सारे सकल पहचान के रखो, ये हमारे सारे सीनियर्स। हेलो, चलिए कुछ बोलना चाहेंगे, एनीथिंग मैसेज टू। सो टुडे इज द डे ऑफ लास्ट डे हेयर, वी आर जस्ट गॉट आवर मोमेंटोज हेयर एंड एंजॉयिंग इट्स अ फेयरवेल ऑफ बैच 22-23, एंड या इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी इन बीएचयू एंड स्पेशली फॉर लॉ फैकल्टी। इट हैज बीन अ वेरी गुड, वी एंजॉयड अ लॉट हेयर, थैंक यू। ओ, व्हाट मैसेज विल यू गिव फॉर अस, बिकॉज़ वी आर जूनियर्स एंड वी हैव सो मेनी थिंग, because we have gained so many experience here, so what advice will you give to us? One advice is to just enjoy everything as well as focus on your studies too. You want to say something? तुम्हारे लिए तुम सीखने का प्रयास करो, बहुत अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ पे, क्लासेस जो होती हैं उससे तुम्हारा एक मतलब कि पावर बनेगी, कैपेसिटी बनेगी तुम्हारे अंदर, और उसके बाद तुम किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन करोगे तो पढ़ पाओगे, टाइम दे पाओगे पूरा। यहाँ पे जो 7-8 घंटे की क्लास होती हैं वो अगर तुम यहाँ के जाने के बाद भी करते रहे तो अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। आज हम लोग का फेयरवेल है, फाइनल ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं हम लोग। मेरा नाम ओम प्रकाश राय है, और बोलिए। यहाँ why you are here hiding? Did you great मिला हो momentum? Take it. So tell me how's the experience? I have taken so many interview last year. Tell me how's the law faculty and how you have been here? The experience was very great. I'm really good. And it feels like a surreal feeling because after 5 years I'm finally graduating, and this, I think this whole feeling is overwhelming, and I feel honored to be studying here, and it was like good memories and bad memories, but in the end I got child. First of all, you are looking very very beautiful. Thank you. So what message do you want to give us as a juniors? We want what we can learn from you. The thing that you can learn is that you have a lot of time left. In that time you can develop your skill, you can work with another courses, like you can take up language course, you can take diploma course, you can also study IGNOU-LIC. This gives you a lot of space where you can also prepare for your judiciary or any other exams. So it is very important that the time which will be given here, which is a lot,
to spend it very wisely. Wow, thank you so much for beautiful advice. Thank you. So best of luck for your future. Bye bye. This is my seniors. So how your 3 years experience here from your online class to offline classes? Actually 3 years experience तो रहा नहीं, एक साल का ही experience रहा और बहुत ही बढ़िया था. और शुरू में तो लग रहा था यार क्या हो रहा है, पर अभी जब जैसे आज फेयरवेल हुआ तो हमारा था यार आज फेयरवेल बस ख़त्म हो गया हमारा यहाँ टाइम. काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस और काफ़ी बाद में तुमसे मिलना हुआ, एक ये बुरी बात रही. फिर होप अगर और पहले मिले होते तो शायद से और ज़्यादा हम लोग इंटरेक्शन कर पाते. तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम पहला और आखिरी बैच थे जो ऑनलाइन स्टार्ट किए, ठीक है, और सब कुछ लगभग ऑनलाइन जैसा ही हुआ है. आज फेयरवेल भी वैसे ही हो रहा है, विद इन हाफ एन आवर या वन आवर मोमेंटो बट गया. लेकिन जो भी एक्सपीरियंस था ऑनलाइन में एक नया एक्सपीरियंस था, टीचर्स को बिना देखे हुए उनको जानना, उनसे पढ़ना. और फिर जब ऑफलाइन आए तो स्विच किए, तो ये जो हम लोग का थर्ड ईयर था वो हम लोग के लिए फर्स्ट ईयर जैसा था. हम लोग फर्स्ट ईयर जैसा इन्जॉय किए, यूनाइट हुए, प्रोटेस्ट किए, जीते हारे सब कुछ इन्जॉय किए और बहुत अच्छे मेमोरीज के साथ. क्योंकि टाइम जब ज़्यादा बीतता है ना, इवन एक फ्रूट जब ओवर राइप हो जाता है तो फिर कोई फ़ायदा का नहीं होता. उसी तरह से हमारे जो रिश्ते हैं वो परफेक्टली राइप हुए और परफेक्टली बहुत अच्छे मेमोरीज के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं. एक्सपीरियंस यार, सो व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव अस दिस ईयर 2040? ऐसा दिस इज आल्सो झारखंड एंड झारखंड आल्सो. एज अ जूनियर मैं बस थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ लॉ फैकल्टी बीएचयू जूनियर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई लॉ इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है, अलॉन्ग विथ इट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो इसके बाद भी एकेडमिक परस्यू करेंगे. अरे ये सब एकेडमिक का जितना है ज्ञान वाली नहीं बातें बतानी यहाँ एंजॉय में तो, क्या है आप बता दीजिए. एज फॉर माई कंसर्न अबाउट लॉ एंड लॉ regarding law academic courses, law is nothing, it is the play of words only, so you can also read it, you can also pursue it, so go guys, go ahead, take it and wish you all the best brother. हम लोग दो दिन पहले यही प्रेजेंटेशन में रटे थे. बताते हैं राजा भैया, एमएल राजा भैया, फिर दो दो कमाल, ये सही है, ये अलग लगा. दिस टू ब्रदर्स ऑलवेज हेल्प अस इन एवरी टाइम. सो हेलो, माय एक्सपीरियंस इज वेरी फाइन इन बीएचयू. हमने बहुत एंजॉय किया है, एकदम खुल के जिया है हर पल को. हमारी डिग्री पूरी हो गई है, हम जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे. ब्रो मस्त रहो और मस्ती करो भैया, बाय. व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव अस? व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव अस? यही कहेंगे कि खुल के जियो, पूरे 3 साल जितने भी बचे हुए हैं हर मोमेंट में भाग लो, हर एनवायरमेंट में जियो और पढ़ाई लिखाई खूब करो. जितना हो सके उतना करंट प्रेजेंट लाइफ को जियो, प्रेजेंट मोमेंट को जियो, नो पास्ट नो फ्यूचर. या अगेन मैं फिर से दोबारा कहना चाहूंगा यही, मस्त रहो मौज करो. यस, मौज करो और खूब पढ़ाई करो, खुद की एबिलिटी पहचानो, उसी हिसाब से अपने आप को प्रोसिक्यूट करो इन फ्यूचर. एज पर बस एक चीज जो कि बीएचयू का हर एक बंदा बोलना चाहेगा, नमः पार्वती पताये, हर हर महादेव. थैंक यू. हमारे झारखंड से आज कुछ सीनियर्स हैं जो यहाँ से विदा ले रहे हैं और जो बीएचयू में काफ़ी एक अच्छा अनुभव मुझे प्रदान किए एक एज अ जूनियर. तो झारखंड के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जिलों से हमारे कुछ वकील, अधिवक्ता और भविष्य के जो जज न्यायाधीश बनने वाले हैं, तो पहला तो मैं हूँ इनका जूनियर हो गया अल्बर्ट बेक फ्रॉम लातेहार जिला. आप? हेलो, माय नेम इज शिल्विन मरंडी एंड आई एम फ्रॉम साहेबगंज झारखंड. कोर्स कौन सा है? मेरा कोर्स BA LLB है. आई एम विक्रम कुमार, आई एम फ्रॉम रामगढ़ एंड माई कोर्स इज 3 year LLB. हेलो, माय नेम इज अलका लीशा बागे और मेरा कोर्स था LLB 3 year. सुप्रिया राय, फाइनल ईयर LLB 2020-2023 बैच. सो हाउ इज द एक्सपीरियंस इन BHU? द एक्सपीरियंस इज नॉट, आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस हियर बिकॉज वी ओनली हैड 1 year हियर. वी वर फ्रॉम कोविड बैच, सो 2 years वी हैड ऑफलाइन. या फ्रॉम ऑनलाइन क्लास टू? यस. आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मैसेज फॉर यू गाइस, बट आई जस्ट से दैट इफ यू वांट टू पर्स्यू LLB और BA LLB इन दिस
college, then it's a good opportunity. It's a good opportunity for someone who is aspiring for judiciary. However, if you are looking for other options like corporate or litigation, then this is probably not a good option. Still, you will get a good academic atmosphere here, and you will get to interact with good professors and good understanding of all major law subjects. So that's all I have. फेयरवेल हो रहा है यहाँ पे जूनियर सीनियर्स का, तो आप देख रहे हो, हाउ यू फीलिंग? लाइक एक साल बाद हम लोग भी चले जाएंगे यहाँ से. फीलिंग इज गुड बट नॉट वेरी गुड. आज इन हमारे सीनियर लोगों का फेयरवेल है, जैसे कि देख रहे हैं सभी लोग अच्छे अच्छे पहन ओढ़ के आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा समय ना मिलने के कारण और हमारे फैकल्टी अध्यक्ष के द्वारा कुछ चीज़ों में कमी होने के कारण आज नहीं किया गया है. लेकिन फिर भी अच्छा है, सभी लोग खुश हैं, हम लोग भी देख के खुश हैं कि आने वाले समय में हम भी ऐसे ही होने वाले हैं. बाकी ओवरऑल गुड. थैंक यू सो मच दिस वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को एडिट करने में. आई नो यू आर व्हाइल वेटिंग दिस वीडियो की कब आएगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, डजन मैटर सब्सक्राइब करो कि नहीं करो, बट हाँ मोस्टली कमेंट करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. आई फील इंस्पायर्ड कि हाँ किसी को वीडियो पसंद आ रहा है. सो थैंक यू, एंड ये था हमारा फेयरवेल. बाय बाय.